अब जल्ला मंदिर में निःशुल्क शादी विवाह होगी। कोई सरपंच उनसे एक प्रमाण पत्र चाहिए। कहते हैं ये प्राप्त करने वाले का नाम है और आज पटना महावीर मंदिर की तरफ से जल्ला मंदिर ने करा रहा है। नमस्कार, सत श्री अकाल, जय बालाजी महाराज। SSI2 में एक बार फिर स्वागत करते हैं। मैं जमेंद्र सिंह लड्डू, पटना सिटी के जल्ला हनुमान मंदिर अब पटना जंक्शन स्थित महावीर मंदिर के हवाले हो गई है। हर्ष की बात है, खुशी की बात है। एक और खबर आ रही है, वो खबर है शादी विवाह का बुकिंग के लिए, खास करके गरीबों के लिए। जिस तरह के गरीबों की समस्या होती थी, आए दिन धर्मशाला बुक करने में बहुत तरह का परेशानियों का सामना करना पड़ता था, अब वो दिन नहीं। अब जल्ला मंदिर में निःशुल्क शादी विवाह होगी। हम तमाम चीज़ों से आपको अवगत करवाते हैं, बने रहिएगा, कहीं जाइएगा नहीं। क्या नाम हुआ बाबा आपका? आरसी शादी नाम है। कहाँ से आए हैं? हम पटना महावीर मंदिर से आए। अच्छा अच्छा जी। एक खबर आई है शादी विवाह का, यहाँ पर बुकिंग क्या क्या है, पूरा व्यवस्था बता दी जी। शादी बुकिंग के लिए जो मंडप जो है उसको निःशुल्क में दिया जाता है, और उसके लिए एक शर्त है कि बाल विवाह नहीं होना है और दहेज नहीं लेना है। इसके लिए एक मुखिया हो या सरपंच हो उनसे एक प्रमाण पत्र चाहिए कि दहेज हम लोग नहीं ले रहे करके। और दोनों तरफ का बारात में मिलके 50 लोग से अधिक नहीं होना है, उसके लिए एक ये बॉन्ड जो है मुख्य में मिलता है। अच्छा, ये कपड़ा भी दे रहे हैं क्या? क्या रूम दे रहे हैं? रूम? हाँ, रूम भी दे रहे हैं। कितने रूम है? एक हॉल में लगता है। दो रूम है? दो रूम होगा। खाने पीने का भी व्यवस्था ये लोग कर सकता है? हाँ, 50 लोगों के लिए। हाँ, 50 लोगों के लिए मंदिर की तरफ से निःशुल्क रहेगा। हाँ, निःशुल्क रहेगा। जलम गरीबों के लिए? हाँ, सिर्फ गरीबों के लिए। ये सुविधा तो वहाँ पटना जंक्शन वाले हनुमान मंदिर के तरफ पे भी है? जी जी, पटना महावीर मंदिर की तरफ से जल्ला मंदिर ने करा रहा है जी। सुविधा बढ़िया है? जी जी जी, बढ़िया। और ये और कुछ दे रहे हैं सुविधा के, मतलब गद्दा ये सब? वो सब तो रह भी करता है, कुर्सी तो रह भी करता है, हॉल में तो कुर्सी रह भी करता है। ये पहली बार लागू हो रही है ना? हाँ, पहली बार लागू। शादी विवाह में सबसे परेशानी होती है गरीबों को। धर्मशाला अगर जाएंगे भाड़ा पर करने के लिए तो 1 लाख और 1.5 लाख। अब यहाँ जल्ले वाला हनुमान मंदिर में आपको निःशुल्क मिलेगा 50 लोगों के लिए। यहाँ जो आज चाबी सुपुर्द किए है, हम इनसे भी जानकारी ले लेते हैं। जी नमस्ते, क्या नाम हुआ? करमवीर कुमार। करमवीर जी, बताइए, आज चाबी सौंप दिए? जी बिल्कुल। क्या क्या चाबी था ये बता दीजिए। दानपेटी का चाबी था, बोर्ड रूम का चाबी था, और अन्य चाबी भी कुछ थे उसके साथ। टोटल 25 चाबी थे टोटल सब। महावीर मंदिर पटना के हवाले चला गया, अब कैसा रहा? बहुत बढ़िया रहा, बहुत बढ़िया है, कीर्ति कायम रहे। मतलब उम्मीद करते हैं कि कुणाल साहब के हाथ में जाने के बाद जो है मंदिर जो है बहुत अच्छे ढंग से चलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये कागज है, ये प्राप्त करने वाले का नाम है, और आज दिनांक 18/1/2023 को मंदिर प्रांगण के न्यास बोर्ड के द्वारा आए हुए तुषार जी पर्यवेक्षक के रूप में समक्ष मंदिर की दान पेटी एवं फोल्ड रूम की सभी चाबियां, जानकी संख्या 25, मतलब कि जो चाबी की जो संख्या था वो 25 थी, ये सौंप दिए हैं। पटना हनुमान मंदिर के पर्यवेक्षक के रूप में आए थे तुषार जी, उनको सौंप दिए हैं। कैसा है माहौल है अब? यहाँ का माहौल बहुत ही खुशमय और शांतिपूर्ण हो गया है। विवाह हो जाने से यहाँ के गरीबों का बहुत बढ़िया काम होगा। जिनकी भी शादी के लिए लोग दूर जाते थे, यहाँ बराती का रहने का व्यवस्था प्लस खिलाने का व्यवस्था भी जल्ला महावीर मंदिर में अब पटना के श्री कुणाल जी के द्वारा चालू होने जा रहा है। क्या नाम हुआ? बबलू सिंह। बताइए मित्र जी, यह बुकिंग होगा निःशुल्क? निःशुल्क बुकिंग होगा तो गरीबों के लिए तो अच्छी बात है, और खुशी की भी एक बात है इसमें। हम और जोड़ देना चाहते हैं कि धार्मिक न्यास बोर्ड को न्यास समिति और विकास समिति के द्वारा लिखित में भी दिया गया था कमेटी के द्वारा कि बिहार न्यास परिषद को दे दिया जाए, और वो कुणाल जी को सुपुर्द करने की बात हुई थी मीटिंग में, आज दे दिया गया है। सारे कमेटी लोग भी दिए हैं, ऐसा बहुत खुशी की बात है। और जिस दिन हम पिछले बार भी बोले थे कि गरीबों के लिए यहाँ पर जो शादी विवाह का फ्री का व्यवस्था हुआ है, उसके लिए कोटि कोटि नमन और धन्यवाद करते हैं कुणाल जी को। धन्यवाद। तो तमाम चीज़ों से मैंने आपको अवगत करवा दिया। निःशुल्क अब वो समय नहीं कि अब गरीबों के लिए एक उधार, और खास करके जल्ले वाले हनुमान मंदिर में शादी विवाह अगर करना हो तो निःशुल्क आइए, यहाँ रजिस्ट्रेशन होगा। और
निःशुल्क का मतलब क्या था, एक पैसा लगने वाला है नहीं। तमाम चीज़ों से हम आपको विस्तार से मैंने अवगत करवाया है। SSI2 आप देखते रहिए, लाइक कीजिए। जय बालाजी महाराज।